अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपकी दुआएं हैं मेरे सब देखने वालों को, जहाँ जहाँ से भी मुझे वॉच करते हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं किचन में क्या बना रही हूँ? मैं बना तो रही हूँ सब्ज़ी, मगर आज मेरे नेवर में से एक चीज़ आई है जो कि बहुत ही स्पेशल होती है सर्दियों की, जो कि बहुत ही स्पेशल है सर्दियों के हिसाब से। क्या है मेरे, मुझे उन्होंने स्पेशल पका के भेजा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, शाम हो रही है, नमाज़ मैंने मगरिब की पढ़ ली है, बाल भी मेरे भी गीले हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लिए स्पेशल चीज़ आई है। वो क्या चीज़ आई है उन्होंने मुझे, बल्कि स्पेशल पका के दी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या चीज़ है सर्दियों की सौगात। तो ये देखें, सर्दियों की सौगात, साग उन्होंने मुझे स्पेशल बना के दिया है। ये देखें, तो ये साग उन्होंने मुझे स्पेशल बना के दिया है, वो भी चिकन में। उनको पता है हमारे घर में ना गोश्त के अलावा कोई चीज़ नहीं बनती है, तो ये देखिए उन्होंने चिकन में बना के भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाभी, अगर आप मुझे वॉच कर रही हैं तो आपके बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे साग भेजा। तो मुझे पकाना तो नहीं आता, मगर मैंने एक दो दफ़ा ट्राई ज़रूर की हुई है। अल्लाह बख्शे, माएँ बना के देती थी मेरी, इधर की अम्मी भी और मेरी अपनी अम्मी भी, तो से मैंने अभी तक कभी नहीं बनाया। खैर, तो मैंने कहा चले ये भी बनाए सालन। वैसे मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ सिंपल गोभी आलू सिंपल बना रही हूँ। और ये मैं साथ गूंदूँगी बेसन की रोटी, मैंने डाला है बेसन का आटा, ये बेसन का आटा है, ये थोड़ा सा घर का आटा है। गोभी आलू बना रही हूँ, मेरे घर में कभी कभी देखें मौजा हो गया है, आज कह रहे हैं सिर्फ गोभी आलू बनाएं, गोश्त नहीं डालें। आटा भी गूंदती हूँ, मैं स्टार्ट करती हूँ आज का व्लॉग। इसमें मैंने प्याज और ऑयल डाल दिया है, तो इसको मैं मसाला वगैरह बना के अभी भून लूँगी। तो ये बेसन है, ये सादा आटा है जो होता है वो चक्की का आटा है ये। इसको वैसे तो ये साग के साथ ना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, साग के साथ जो होता है ना ये मकई की रोटी बनती है। तो मकई का आटा तो मेरे पास था नहीं, थोड़ा सा ये बेसन पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो बेसन की रोटी बना लेते हैं, ये खा लेंगे। तो इसलिए फिर मैंने कहा चले बेसन की रोटी बच्चों को बना दूंगी, साग के साथ खाई जाएगी। तो वैसे इसमें मैंने आटा इसलिए डाला है, बेसन में वो रोटी टूट जाती है ना, ज़रा पकाते हैं तो फिर वो रोटी टूट जाती है। तो जब मकई का आटा भी गूंथते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा ना एक मुट्ठी सी ना वो डाल लेते हैं, आटा फाइन आटा जो होता है तो वो डाल लेते हैं ताकि ना वो टूटे ना। तो किसी दिन इंशाल्लाह वो भी बनाऊँगी मैं। बनाते थे हम लोग, अम्मी साग बनाते थे और हम मकई की रोटियां बना बना के ना, अम्मी से सीखी थी हमने, तो हम वो मकई की ना रोटियां बनाया करते थे। चले मेरा तकरीबन ये आटा हो गया है तैयार। तो ये मैंने ना रोटी इसकी बेल रही है बेसन की, ये देखिए मैं और भी बनाऊंगी। इसको ये टैप टैप करके भी फैला लेते हैं ना, क्योंकि ये टूटती है रोटी। तो मैं अभी अब्बू को बना के देती हूँ, अब्बू उठ गए हैं तो मैं अब्बू के लिए अब खाना बना के ना मैं अब्बू को दे देती हूँ रोटी पहले, फिर अपने लिए तैयार कर लेंगे। तो इस पे मैं डालती हूँ रोटी तवे पे, रोटी मैंने डाल दी है, अब इसको मैं बना के अब्बू को सबसे पहले देती हूँ। तो ये देखिए रोटी कितनी प्यारी बनी है, बेसन की रोटी, ये देखें कितना प्यारा कलर आया है इस पे बेसन की रोटी का। तो मैं अब्बू को जाके दे के आती हूँ। तो ये अब्बू को मैं खाना दे के आ रही हूँ, ये साग और बेसन की रोटी जो मैंने बनाई है उनको देती हूँ मैं। इधर बन गया मेरा गोभी आलू, ये भी ऑलमोस्ट बस अभी डन हो जाएगा, ये भी इसको दम पे रख देती हूँ मैं, ये भी मेरा माशाल्लाह। तो इस साग के साथ, तो साग बहुत टेस्टी है, अब्बू को भी मैंने दिया है, उनको भी बहुत अच्छा लगा है बेसन की रोटी के साथ। तो मैं भी जल्दी से खाती हूँ, मुझे भी भूख लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, अगर आप मेरा देख रही हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे साग भेजा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में। अभी ये सब्ज़ी मेरी बन रही है, तो जब तक ये बनती है मुझे तो लगी है शदीद। आज का मैं व्लॉग करती हूँ ख़त्म, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।